नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। शाम हो चली है, वक्त हो चुका है इस वक्त के बुलेटिन का। आपके शहर में क्या, कब और कैसे हुआ, चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आज के तमाम सुर्खियों की ओर। राम और रावण को मानने से मांझी ने किया इनकार, बोले काल्पनिक है राम। राम से बड़ा था रावण, जितना मांझी ने छेड़ा नया विवाद, कहा रावण ज्यादा बड़े कर्मकांडी थे। पीएम ने चीनी मिलों को चालू कराने का झांसा दिया, प्रशांत किशोर बोले मिल की जमीन का बीजेपी नेताओं ने किया बंदर बांट। बिहार के राज्यपाल का 2 दिवसीय पूर्णिया दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आरोपी मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ एक्शन की मांग, डीजीपी से मिलेंगे बिहार बीजेपी के नेता। शादी में हथियार लहराने वाले बेगूसराय के 4 आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर, 13 मार्च से ढूंढ रही थी पुलिस। बिहार में वापस आ रहे हैं पुराने दिन, बोले उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार ने खुद ही मार ली अपने पैर में कुल्हाड़ी। मांझी के बयान पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, कहा जिन पर उठा रहे सवाल उनके नाम में खुद ही है राम। सरकार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, पटना की सड़कों पर उतरे हजारों अभ्यर्थी। राजद के इशारों पर चल रहा सदन, श्रेयसी सिंह बोली सदन के अंदर नहीं दिया जा रहा सवाल पूछने का मौका। आज बिना बुलाए सदन में पहुंच गई बीजेपी, स्पीकर ने कहा बिना बुलाए क्यों आ गए, इंसान थे तब भेदभाव नहीं था, जाति में बटे तो हो गया भेदभाव, बोले मुकेश सहनी, मुख्यमंत्री अपने समाज का करते हैं भला। अंग्रेजों के गुलाम थे बीजेपी के लोग, आरजेडी विधायक बोले मुसलमानों पर बोलने से पहले देखिए अपना घर। तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला, राज्य के अंदर बदला ओपीडी का समय, मरीजों को मिल पाएगी अधिक सुविधा। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जर्नलिस्ट बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल डीएनए न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।